हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे फ्रंट साइड एंड टॉप ये सभी दिखा दिया गया, जिसको हम लोग सीखेंगे सेट स्क्वायर द्वारा कैसे आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो देखिए, सेट स्क्वायर से आइसोमेट्रिक बनाना है तो देखिए, सबसे पहले ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर होता है जी, उसकी सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं। देन ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, ये वाला, इससे हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी? तो हम लोग इसको देखेंगे स्टेप बाई स्टेप कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे जी। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग सेट स्क्वायर को ऐसे रख ले रहे हैं जी। देखिए, ये वाला सेट स्क्वायर कहाँ रखेंगे? नीचे रखते हैं जी, और देन इसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले क्या करते हैं जी, बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे लिया जाता है। तो बेस लाइन को निर्माण करने के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से इस टाइप से ये वाला लाइन हुआ, देन ये वाला लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी? उसके बाद एक और बेस लाइन लिया जाता है जी, यहाँ से एक और बेस लाइन लेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। क्लियर हुआ जी? देन पॉइंट लेने के बाद यहाँ से राइट साइड में देखेंगे टोटल बेस कितना दिया है इसका, टोटल 25 और 35 कितना, टोटल 60। तो नीचे देख रख के सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कीजिए ऐसे, और देन यहाँ से रखने के बाद ये यहाँ से ऐसे मूव कीजिए, फिर इधर हमको घुमाना है। तो ये यहाँ से हम इसी लाइन को हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं जी। क्लियर हुआ? उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ से मूव कर देंगे। क्लियर हुआ जी? इतना हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद, इतना लाइन निर्माण होने के बाद इसको देखिए, सेट स्क्वायर को अलग हटा। अब इसका हाइट देखेंगे, ये टोटल हाइट इसका कितना है जी, 35 है, 35। तो यहाँ से 35 हाइट ले लेंगे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला टोटल बेस कितना है जी आपका, 25 और 35 है। तो हम मार्किंग कर लेंगे जी, 25 का मार्किंग कर लीजिए। देन 25 और 35 मिल के कितना होगा जी, 60 होगा। उसके बाद यहाँ भी फ्रंट व्यू का भी 25 और 35 है। तो सबसे पहले यहाँ से 10, 20, 5, 25 और 35। क्लियर हुआ जी? तो इतना मार्किंग कर चुके हैं जी। उसके बाद से ध्यान देखिए दीजिए, सेट स्क्वायर को फिर नीचे पॉइंट पे रखेंगे जी, नीचे वाले पॉइंट पे। देन रखने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और देखिए इतना होने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला हो गया जी। उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला भी पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ जी? उसके बाद और आप यहाँ से भी ये जो मार्किंग किए हैं जी, मार्किंग पॉइंट, यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी, दोनों बगल जी। क्लियर हो रहा है जी? देखिए इतना क्लियर हो। उसके बाद देखिए, ये जो मार्किंग पॉइंट है जी, इसको तो यहाँ से मार्किंग कर देंगे जी। फिर हमको सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कर दीजिए, और देन यहाँ से मूव करने के बाद, सेट स्क्वायर से मूव करने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला भी लाइन मूव कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो इतना तक अभी क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हटा दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से एक ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है जी, इधर से हम लोग ऐसे लाइन लेंगे। देन इधर भी जो लाइन है जी, यहाँ से इसको भी ऐसे मूव करेंगे। क्लियर हुआ जी? तो ऐसे मूव कर दिए जी।
अब मूव करने के बाद इसको देखिए, यहीं से हम आगे की तरफ यहाँ से एक लाइन इधर भी ले लेंगे और यही काम सेम इधर भी करेंगे। क्लियर हो रहा है जी? अब इतना होने के बाद देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इसको हम ऐसे कर दीजिए और देन इधर का जो पॉइंट है जी, इधर का इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। क्लियर हो गया जी? तब इतना करने के बाद इसको देखिए हल्का सा इसको और क्या करेंगे, ऐसे कीजिए देन देखिए फिर सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या करेंगे जी, मूव कर देंगे। और देखिए लेफ्ट साइड से और लेफ्ट साइड से ये हो गया, देन हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, तो परपेंडिकुलर लाइन हमारा यहाँ से ये होगा। क्लियर हुआ जी? तो इतना बना दिए जी। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग डार्क करेंगे जी। तो डार्क में ध्यान से देखिए, डार्क कैसे करेंगे जी, तो ये वाला डार्क यहाँ से यहाँ तक करेंगे जी डार्क। उसके बाद ये वाला पॉइंट डार्क करेंगे और उसके बाद ये वाला पॉइंट डार्क करेंगे, देन इसको भी डार्क कीजिए और इस पॉइंट को भी डार्क करेंगे। क्लियर हो रहा है जी? अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये लाइन है ना जी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी, सबको क्या करेंगे, अब डार्क कीजिए जी। जो भी स्पष्ट लाइन है जी, उसी को हम लोग डार्क करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को नहीं डार्क करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी? देखिए ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद यहाँ से ये वाला लाइन हो गया। अब ये जो राइट साइड से है जी, राइट साइड में जो भी रेखा गया है जी, सबको हम क्या करिए, सबको डार्क कर देंगे। यहाँ से ये वाला भी हो गया, उसके बाद इस पॉइंट को भी यहाँ से और ये वाला लाइन भी प्रॉपर ऐसे डार्क कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा फिगर बन के रेडी हो गया है जी। तो इतना हमारा क्या हुआ जी, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब इसका डाइमेंशनिंग करेंगे जी। तो डाइमेंशनिंग करने का क्या रूल होता है जी, तो 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी। कितना का, 5 और 10 का, यानी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेते हैं जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे, यहाँ 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी? यही प्रोसेस यहाँ पर भी सेम करेंगे, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे, फिर यहाँ से भी सेम प्रोसेस। देखिए 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, यहाँ भी वही प्रोसेस देख रहे हैं जी। देखिए 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। अब यहाँ से इसको सबको क्या करेंगे जी, ये तो हमारा क्या हुआ, एक्सटेंशन लाइन हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो लाइन हम लोग निर्माण कर रहे हैं जी, तो इसको हम डाइमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं जी। इसको किस नाम से जानते हैं जी, डाइमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे दिखा रहे हैं जी, ये सब एरो हेड के नाम से, एरो हेड के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना हम लोगों का ग्राफ बन चुका है जी। उसके बाद से ध्यान देंगे, अब यहाँ से
5 mm का गैप और 10 mm का दूरी यहाँ से, देन ये वाला भी पॉइंट यहाँ से भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, फिर यहाँ पर भी वही काम, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, यहाँ से ये क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला टोटल हमारा कितना है, 25 है, और ये वाला हमारा 35 है, ये वाला हमारा 35, ये 25, फिर 25 और ये वाला 35। क्लियर हुआ जी? उसके बाद इसको हम किस, कौन सा व्यू है जी हमारा, ये है हमारा फ्रंट व्यू है। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, साइड व्यू के नाम से जानते हैं। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है, ये वाला हमारा टॉप व्यू या प्लान व्यू के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद यहाँ से नीचे लिख दिया जाता है जी, यहाँ नीचे लिख दीजिए कि ऑल डाइमेंशन, ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, ये कौन सा व्यू है, तो आइसोमेट्रिक है। तो यहाँ से देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा ड्राइंग बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेकर।